ओदबिल्लामिनशैाईीम बसमल्रमा आप तमाम मोमिन की ख़िदमत में ईद सईदे फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं खुदा हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए इमाम असर हमारी इबादतों को तायद ईद फितर के दिन कुछ अमाल हैं एक तो सबसे अहम चीज़ है कि हम नमाज ईद फितर पढ़ते हैं और मुस्तहब है काफ़ी ताक़द है और नमाज ईद फितर में जैसा कि मशहूर और रज यह है कि पहली रकत में पाँच ख़नूत और दूसरी रकत में चार ख़नूत पढ़ा जाता है बाद लोगों ने सवाल किया है कि आयतलसानी के यहाँ चार और तीन ख़नूत है मसलन पहली रकत में चार ख़नूत पढ़ा जाए और दूसरी रकत में तीन ख़नूत पढ़ा जाए तो क्या ये सही है हाँ आगा के ये फतवा है लेकिन हमने ख़ुद शख्स दफ्तर से दरियाफ किया और ये बताया है कि आप मशहूर तरीक़े से यानी पहली रकत में पाँच ख़ूनूत और दूसरी रकत में चार ख़नूत भी रजा मतलूब की नीयत से पढ़ सकते हैं इसमें कोई कबाहत नहीं है ईद सीद फितर की नमाज पढ़ने से पहले एक वाजिब अमल जो कि हम माह रमज़ान में भी अंजाम दे सकते हैं वो ये है कि फ़ितरा निकालना एक शख़्स का तीन किलो अनाज जो है फ़ितरा होता है जो कि इस साल की रकम के हवाले से देखा जाए तो अस्सी रुपये फ़रे हैं और हम पर बिना बरतियात वाजिब लाजिम है कि ये हम नमाज ईद फितर से पहले अलग कर दें यानी जब हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हों तो पहले फितरा निकाल दें और उसके बाद हम नमाज ईद फ़ितर पढ़ें और सवैया खाएँ मुबारकबाद पेश करें और गले मिलें उसी तरीके से अपने शहर या देहात में ही फ़ितरे को मुस्तक तक दिया जाए क्या स्थानी के फतवे में है किसी दूसरे शहर में ना भेजा जाए देखा जाता है कि हम दूसरे शहर में भेज देते हैं किसी इदारे को भेज देते हैं अगर आपके शहर में मुस्तक मौजूद है तो आप दूसरे शहर नहीं भेज सकते कोशिश करें कि अपने शहर में मुस्तक तक पहुँचाया जाए क्योंकि जो फ़रा है ये गरीब गरबा जो आपके अतराफ़ में हैं उनके लिए मसाकिन है मगरीब है मोहताज है उनके लिए करार दिया गया तो इसलिए हर शख्स अपने शहर में अपने वतन में अपने गांव में उनके अतराफ़ में जो लोग हैं यहाँ तक कि उन आयतलस्ानी ने यह भी कहा है कि अगर शिया मुस्तक नहीं मिलता है तो आप गैर अहले सुन्नत मुस्तक को भी दे सकते हैं लेकिन अपने शहर में ही दे हाँ एक चीज़ यह है कि कुछ लोग ऐसे जहाँ रहते हैं जहाँ पर मुस्तक नहीं है जैसे कुछ लोग बाहर रहते हैं गल्फ़ में रहते हैं और वहाँ से वो फ़ितरा निकाल के हिंदुस्तान भेजते हैं तो ये सूरत इस तरीके से सही नहीं है कि हम फितरा कर हिंदुस्तान भेजें हाँ ये कर सकते हैं कि किसी को अपनी तरफ़ से वकील बनाए वकालत दें कि उसको पैसा भेज कर या वो ख़ुद अपने पैसे से आपकी तरफ़ से फितरा निकाल दे और उसी शहर में जिस शहर में निकालना है मुस्तक को दे दे ऐसा कर सकते हैं लेकिन निकालने के बाद जुदा करने के बाद आप दूसरे शहर में नहीं भेज सकते क्योंकि जब आपने फ़ितरे की रकम निकाल दी तो अब आप इसके मालिक नहीं इसका मालिक वो मुस्तक है जिसके हाथ में जाएगा इसलिए उसमें आप चेंजिंग भी नहीं कर सकते कि आपने छोटी नोटें रख दी और बड़ी नोट निकाल ली या बड़ी नोट रख दी छोटे छुट्टे पैसे निकाल ली ये सब आप नहीं कर सकते मगर ये किसी मुस्तक से जिसको देना है आप इजाज़त लें फिर ऐसा कर सकते हैं ज़रूरत के वक्त अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की इजाज़त दी गई है इससे ज़रूरत है कि भाई हम नहीं उस तक जा सकते हैं तो फिर हम उसको अकाउंट में जिस मुस्तहक को भेजना है उस मुस्तक तक भेज सकते हैं इन शुदा हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और पूरे साल जो बंदगी और इबादत परदिगार हमने अंजाम दिया है उसका असर हमारे वजूद में रहे हमारी ज़िंदगी में नज़र आए और हम सब को अगले साल माह रमज़ान दर् करने और अपनी बंदगी उसके इबादत और बंदगी करने की तोफ़ी नसीब फरमाए खुदा से हमारी ये दुआ है कि हम तमाम शिया ने हैदर करार को हम जहाँ भी रहें इ्ज़त वमान में रहें सलामती में रहें और ख़ुदा हमें दिन दिन दुश्मनों के शर से महफूज भी रखे और दिन दिन तरक्की भी अता इलाही फ़रमाएमी वालेक वरह वकूल